हिमाचल सीरीज के अब तक के वीडियोस में आपने देखा कि मैं और मम्मी अपने घर भिलाई छत्तीसगढ़ से ड्राइव करते हुए पहुंचे हिमाचल प्रदेश में तीर्थन वैली एक्सप्लोर करने। इस सीरीज के सारे वीडियोस ऊपर दी गई लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। गड़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नरसिंहपुर। हमारी माता जी एकदम रेडी है। मम्मी एक बात बताओ, ये आप साड़ी ऐसे बांधती क्यों नहीं हो इधर, ऐसे एकदम हीरोइन टाइप का खुला के छोड़ देती हूँ? अरे मैं कार में इतना बैठती हूँ कि अगर ये साड़ी ऐसे पिन लगा के और फिर बैठूं तो ये साड़ी यहाँ से पिन के कारण तार तार हो जाए। आप ना मम्मी मेरे टाइप ना ऐसे हाफ पैंट और शर्ट पहना करो। एक दिन आपको हाफ पैंट और शर्ट पहनाऊंगा। अब तू फोटो शीशे में देख कि कौन ज्यादा किसकी ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है। हाफ पैंट पहनूंगी तो ज्यादा अच्छी लगूंगी कि साड़ी पहनूंगी तो ज्यादा अच्छी। चलो ठीक है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। इस टूर में हमने शायद एक भी दिन जल्दी स्टार्ट नहीं किया, रोज 7-7:30 के बाद ही स्टार्ट किया है। बट एकदम भागना भी ट्रिप का नाम नहीं है, थोड़ा आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और अब तो कोई टेंशन नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? स्वीट होम जा रहे हैं, अपने स्वीट होम। तो लोड करते हैं गाड़ी और बढ़ते हैं आगे। बड़े दिनों से इस होटल में हम लोग रुक रहे हैं तो ओनर ने आज बुलाया हमें चाय पे। चलो। और ये यहाँ भी झूला था, तुमने बताया नहीं मैं झूलती। बस कल झूला तो था ढाबे में जी भर के। तो ये सवेरे सवेरे बड़ा हैवी ब्रेकफास्ट हमें खाने मिल गया स्वादिष्ट, और आज सर से मिलने भी मिल गया। और मुझे होममेड मगज के लड्डू मिल गए। ऐसे मैं मीठा खाने को करती हूँ लेकिन उसको खाने लगा मुझे, खा लेती। तो ये सर इन्हीं का ये होटल है, होटल अतिथि, और इनकी ये पूरी फैमिली है। ये भाभी जी हमारे कोंडा गांव से ही हैं, छत्तीसगढ़ से, और ये दादी जी हैं धमतरी से। तो आधा छत्तीसगढ़ यहाँ पे है। ये उनके बेटे मेहुल और कुशल। तो सर कब से आपका ये ग्रैंड अतिथि, आप कब से ग्रैंड अतिथि हो गए आपके? 2009 से ओपन है ये। उसके बाद धीरे धीरे इसके बाद ग्रैंड अतिथि करा था, और ग्रैंड अतिथि को हमने अपना होम बना लिया। पास के पास, और यहाँ की ग्रीनरी और ये वैसे ही। हम तो जब से आना शुरू हुए यहीं आते। और ये आती थी तो ऐसा हो गया कि हम हमेशा। चले सर, चलो मिलते हैं। तो नरसिंहपुर को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। वैसे तो हम पोहा खा के निकलते, लेकिन बढ़िया यहाँ पे हैवी ब्रेकफास्ट खाने मिल गया। तो उनके साथ बैठ के बात करते हुए काफी टाइम हो गया, थोड़ा लेट निकले हैं। अभी बढ़ रहे हैं लखना दौन की तरफ। और जो मगज के लड्डू उनने बनाए थे बड़े टेस्टी थे, हमें बड़े पसंद आ रहे थे। तो उनने ये डब्बे में इतने सारे बढ़िया पैक करके दे दिए। लाओ तो मम्मी एक आध खिलाओ तो। अब तो तेरी ड्राइविंग और बढ़िया से होगी क्योंकि तू मगज के लड्डू वो भी घर में बने हुए शुद्ध घी के खा रहा है, तो तेरी एक्टिविटी तो फास्ट हो ही जाएगी ना। आज गड्डी भाई ने रात को कहाँ गाड़ी खुली छोड़ी, क्या किया, अभी तक उसमें से हम मच्छर मक्खी भगा रहे हैं, वो भग ही नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता। तो ये आ गया है लखना दौन, ये वाला नेशनल हाईवे 44 जो है उसको छोड़ रहे हैं। अब जा रहे हैं अंदर से। आए थे हम लोग अंदर काना वाले एरिया से बैयर होते हुए। वैसे हम लोग सिमनी होते हुए, सिमनी नागपुर के पहले भंडारा होते हुए निकल जाते थे, आज मैं चिल्पी घाटी होते हुए जाऊँगा दूसरा रास्ता। तो लखना दौन के अंदर से ही पहले हम जाएंगे मंडला, मंडला से चिल्पी घाटी होते हुए कवर्धा, ये वाला रूट ले रहे हैं इस बार। रास्ते चेंज करते रहो तो अच्छा ही लगता, एक ही रास्ते पे जाते रहो तो बोर हो जाते। तो हम लोग हैं लखना दौन से मंडला रोड पे। ये रोड भी बहुत बढ़िया है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम खुला खुला एरिया है ना। इन द पास्ट हम लोग गए हैं इस रोड से कई बार, ऐसा नहीं कि नहीं गए, लेकिन अभी बहुत दिनों से 2-3 साल से नहीं गए थे। ये भी वही फलसफा है, चेंज हमेशा अच्छा लगता है, कभी चौड़ी सड़क अच्छी लगती है, कभी सकड़ी सड़क अच्छी लगती है। तो इस हाईवे पे ऐसे बहुत सारे घने घने पेड़ हैं, तो गाड़ी हमने 150 किलोमीटर चलाई, उसके बाद ले लिया है अपना एक ब्रेक। बढ़िया इस पेड़ की छाँव में मम्मी ने मस्त वॉकिंग की है। इस पेड़ की ये यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं ये काला काला, आजकल ये ऑलमोस्ट हमारे देश के कई हिस्सों में हो रहा है। एक फसल के बाद जब दूसरी फसल बोनी रहती है तो पहले तो फसल की कटाई के बाद ज़मीन को अच्छे से हल चला के ऊपर नीचे किया जाता था, मिक्स किया जाता था, कुछ टाइम दिया जाता था, फिर अगली फसलें बोई जाती थी। अब अगली फसल बोने की हड़बड़ी में
फसल काटने के बाद खेतों में आग लगाई जाती है और फिर उसके बाद फटाफट अगली फसल बो दी जाती है। तो ये प्रोसेस बहुत गलत है। ऐसे आग लगाएंगे तो इल्ली लावा जो होते हैं जमीन में वो मर जाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे जमीन बंजर होने लगती है। शॉर्ट टर्म में तो इस चीज़ से किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा फसल बो पा रहे हैं, लेकिन बेचारी ये ज़मीनें, इनको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, तुरंत तुरंत फसलें बोई जा रही हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल है कि इससे ज़मीनों पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़े। तो सही तो चल रहा है, इस रोड पे तो ना आने वाले दिख रहे हैं, ना जाने वाले दिख रहे हैं। एक बाइक वाला दिखा ना। हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, मंडला के जस्ट पहले हैं, एकदम खाली रोड है। मंडला के पहले कुछ जंगल आते हैं, उसी जंगल को पार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया खूबसूरत रोड है, ऐसी एकदम मार्क्ड रोड मिल जाए ना तो उसमें चलाने में मज़ा कुछ ज़्यादा ही आता है। देखो ना सामने एकदम दूर तक रोड दिख रही है स्ट्रेट में। तो मंडला आ गए मम्मी, कुछ खा लें क्या यार यहाँ पे मम्मी, कि आगे जाके खाएं? तुम्हारी मर्जी, जब खाना है तो खा लो। कहीं ढाबे पे ही खाएंगे यार, अभी डेढ़ ही बजा है, टाइम है अपने पास, एक आध घंटे और थोड़ा गाड़ी उड़ाते हैं फिर खाते हैं। यहाँ खाना है क्या मम्मी? एमपी टूरिज्म का हाईवे मिट्रीट। अभी तक हम लोग मध्य प्रदेश में ही हैं, एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर हमने पार नहीं किया है। इसका नाम है भीम डोंगरी। भीम डोंगरी तो मम्मी यहाँ पे एमपी टूरिज्म के रिजॉर्ट में थोड़ी बहुत कलाकारी की गई है इनके गार्डन में, उसी सबको देख रही हैं। देखो वेस्ट रहती हैं, जैसे साइकिलें यूजलेस हो गई हैं तो उनने उनको भी स्टैंड बना के उन पर पॉट रख दिए, मतलब छोटा सा छोटा उनको भी मिलता है ना जैसे चाय का कूलर, तो उसमें भी उनने पौधा लगा दिया उधर। तो ऐसे करके आर्टिस्टिक रंग देना शुरू किया है उसको। बढ़िया जगह है, छोटी सी जगह, सुस्ताने के लिए आप बढ़िया यहाँ पर रुक सकते हैं। और इनका खाना हम लोगों ने खा लिया है वहाँ पर, मटर पनीर, बूंदी रायता, रोटी, बढ़िया था है ना मम्मी खाना? रोटियाँ भी गरम गरम थी। आजकल कई ढाबों पे ये हो जाता है कई बार कि पहले से बनी हुई रोटियों गरम करके ला दिया जाता है, उनमें स्वाद नहीं आता। जो रोटियाँ उसी वक्त बनाई जाती है, उसी वक्त गरम गरम आती हैं, उसका स्वाद अलग से ही समझ में आता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट चिल्पी घाटी बस पहुँच ही गए हैं। ये रास्ता मेरे को और मम्मी को बड़ा पसंद आ गया है एकदम, इतनी गर्मी में भी हरे भरे पेड़ों के कारण एकदम ठंडक लग नहीं रहा है कि गर्मी का मौसम। रास्ते में ठंडक बढ़िया लग रही है। वो उधर जो नागपुर की तरफ से आते हैं ना, फोर लेन रोड ना, बहुत गर्म हो जाता है इस सीजन में, पेड़ भी नहीं मिलता, यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है। बस थोड़ी सी ही दूर में बॉर्डर पार करके हम प्रवेश करेंगे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में। तो ये लिखा हुआ है चिल्पी 10, कवर्धा 53 और रायपुर 171, भोरमदेव अभयारण्य सीमा प्रारंभ। चिल्पी घाटी आते साथ ही हवा हाथ बाहर निकालो तो मौसम भले ही गर्म हो लेकिन ठंडी ठंडी हवा लगती है इतने घने पेड़ों के बीच में। तो एक बार ये जो हमारा टूर रहा है इसका रिकैप कर लें क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में अपने घर में वापस पहुंच चुके हैं। तो स्टार्टिंग जो हमारा टूर का हुआ उनमें हम इन 5-6 जगहों पर स्टार्टिंग में रुके, भिलाई से निकले, फिर नरसिंहपुर, फिर ग्वालियर, फिर पानीपत, फिर हिमाचल में कंडा घाट और फिर उसके बाद नारकंडा। नारकंडा के आउटर में नागरोड गांव था, वहां रुके थे। सेकंड लेग इसमें देखें तो नारकंडा से हम लोग निकले और जलोरी पास को पार करते हुए हम लोग पहुंचे जीबी में, एक छोटा सा गांव था ग्यागी। फिर उसके बाद ग्यागी से हम लोग निकले और पहुंचे गलिंचा नाम के एक छोटे से गाँव में जो कि है फलाचन वैली में। गलिंचा से निकल के फिर हम लोग पहुंचे गुसैनी में पेकरी नाम की एक छोटी सी जगह में। फिर पेकरी से हम लोग निकल के पहुंचे सरची नाम के एक बड़े ही खूबसूरत से तीर्थन वैली के गांव में। सरची से निकले और हम लोग पहुंचे फिर लाइडा नाम के गांव में, जो आई थिंक सबसे बेस्ट स्टे था हमारा। तो ये तीर्थन वैली की कहानी थी। उसके बाद लाइडा से निकले और हम लोग पहुंचे शानगढ़ जो कि सैंज वैली में आता है, वहां एक दिन रुके और फिर शानगढ़ से हमने दोबारा अपनी वापसी की जर्नी चालू की। शानगढ़ से निकले अम्बाला, अम्बाला से निकले ग्वालियर, ग्वालियर से निकले नरसिंहपुर और नरसिंहपुर से निकल के आज पहुंचेंगे हम अपने घर भिलाई। जो लिंक आपको ऊपर जो आई बटन है वहां पे क्लिक करके आप इस ट्रिप के सारे वीडियोस देख सकते हैं। इस ट्रिप में, ये ट्रिप हमारी कंपैरेटिवली छोटी रही, इससे पहले हमने महीने महीने सवा सवा महीने की ट्रिप्स की हैं लेकिन ये सबसे छोटी ट्रिप थी, कम्फर्टेबल ट्रिप थी और ऐसा नहीं था कि एक्सप्लोर करने में कुछ कमी महसूस हुई, बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखा। तो आप लोगों को इन सब वीडियोस में से कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद आया ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बोलो, इस बार मुझे लगता है कि हिल स्टेशन में किसी भी बड़े शहर में हमारा मूड भी नहीं था जाने का और हम गए भी नहीं, खूबसूरत छोटे छोटे शहरों में घूमते रहे गाँव में और
गांव में घूमते रहे और उसका एक्सपीरियंस बहुत प्यारा रहा हमारा। सबसे अच्छा बताओ कौन सा रहा? और सबसे अच्छा स्टे हमारा लाइडा में रहा। उन वहाँ की खूबसूरती तो थी थी, उनका घर का खाना खिलाना, प्यार से बोलना और बहुत ही लोकल फूड, उनने लोकल फूड उनका ट्रीटमेंट, और खास करके जो उनने रूम बनाया था वुडन रूम, और वो जो जिस जगह पे वो था वो सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। हमारा ओडो बता रहा है 3530, मेरे ख्याल से 100-125 किलोमीटर करीब और बचा है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 3700 किलोमीटर की ये ट्रिप रही। पिछली बार की जो मेरी ट्रिप थी लद्दाख की सबसे लंबी थी, ऑलमोस्ट 6100 किलोमीटर कवर किया था, तो ये ट्रिप काफ़ी छोटी रही लेकिन बहुत कंफर्टेबल और बहुत मज़ा भी आया और बहुत सुकून भरी रही। छत्तीसगढ़ में तो अपने स्वागत के लिए परेड भी तैयार है। क्या शानदार रोड है ना, मतलब उसमें आसमान ही नहीं दिख रहा है, पूरे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। अभी हम लोग कवर्धा से गंडई जाने वाली रोड पे हैं। मम्मी यहाँ पे ककड़ी धो रही हैं। मम्मी को हमेशा एक टेंशन होता है घर पहुँचते वक्त कि घर जाके फिर अगले दिन की सब्जी का इंतज़ाम कैसे होगा। बोलता हूँ मैं जाके दिला दूंगा, लेकिन नहीं, रास्ते में ही बीच रास्ते में गांव में रोक के मम्मी ने सब्जी खरीद ली। ये भाई साहब तो घर जाके पसंद जाएंगे और कल तो इनको उठाते उठाते मेरा दिन निकल जाएगा, इसलिए अपना इंतजाम कर लिया। मम्मी ने ये आम और दुनिया भर की सब्जी यहीं पे इस गांव से ले लिया। ये जो मम्मी आपने ना पीछे ना जो गाड़ी रोक दी ना और जो आधा घंटा वेस्ट कर दिया है सब्जी खरीदने में, इस चक्कर में मेरे को ये जो टाइम है ना अंधेरा प्लस उजाला डिवाइडेड बाय टू इसमें चलानी पड़ रही है, नफरत है मेरे को इस टाइम से। अरे अगर मैं सब्जी नहीं लेती तो दो दिन तेरे पीछे घूमती रहती कि ये सब्जी भाजी लिया सब्जी भाजी लिया, मैं क्या करूँ। तो थैंक गॉड हो गया पूरी तरीके से अंधेरा, अंधेरे में चलाना मच बेटर है। पर ये जो ट्रक्स की लाइट आती है ना एकदम मुँह पर पड़ती है, ये बहुत तकलीफ देती है, खास करके रोड सिंगल लेन हो तो सही। तो हमारा प्यारा शहर मात्र 15-20 किलोमीटर दूर है। तो अपने प्यारे शहर हम वापस पहुंच चुके हैं, सुकून महसूस हो रहा है। तो आज का वीडियो तो हम यहाँ ख़त्म करेंगे, अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने हिमाचल के टूर में कितने टोटल एक्सपेंसेस हुए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मम्मी वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।